हेलो दोस्तों, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ मस्त होंगे, अपनी जिंदगी में खुश होंगे। और दोस्तों, हम भी आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से एकदम खुश हैं। और अभी देखिए, अभी हम नहा वहा चुके हैं, सुबह सुबह ही नहा लिए थे और कपड़े उपड़े पहन लिए हैं। और ये देखिए, चश्मा लिए हुए थे तो इसको भी लगा कर वीडियो बना रहे हैं। और ऐसे ही चश्मा लगा कर सूरज जोशी ब्लॉग्स बनाते हैं, लेकिन हम वैसे तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी उनके जैसा ही बने। ब्लॉगर एक अच्छा खासा है और वो इंडिया में सबसे नंबर वन टॉप पर ब्लॉगर हैं, तो उनके जैसा ही हम भी बनना चाहते हैं। तो ये 70 रुपये का चश्मा है और वो 70,000 का चश्मा लगाते हैं, तो हो सकता है कि कभी हमारे भी ये दिन आए जो अच्छे खासे कपड़े और चश्मा लगा कर उसके बाद में वीडियो बनाए एकदम मस्त, और आप लोग भी देखना पसंद करें। तो अभी देखते हैं कि हमारे घर पर क्या हो रहा है। और इस समय देखिए, हमारे 2 कमरे बन गए हैं और जितने भी रुपए पैसे थे सब इसी 2 कमरे में लग गए। और इधर तीसरे घर कमरे का लिंटर पड़ गया है सिर्फ, और फर्मा वर्मा कुछ भी नहीं डाला गया है। और ये देखिए, 2 कमरे सिर्फ बने हुए हैं और सारे के सारे रुपए इसी में लग गए। और मम्मी के खाते में सिर्फ 30,000 रुपये पड़े हुए हैं, तो 30,000 में स्लेब और वो तीसरा कमरा तो इसे बनवाना है, तो 30,000 में तो नहीं हो पाएगा। हमारे पापा कह रहे हैं 50-60 हज़ार तो इस स्लेब में ही पड़ जाएंगे, लग जाएंगे। तो अभी घर से भी कुछ रुपए इकट्ठा करके उसके बाद में घर में लगवाएंगे। और बहुत ही ज़्यादा टेंशन भी हो रही है क्योंकि छत नहीं पड़ पाई और सिर्फ 30,000 रुपये हैं, और ये कमरा भी इधर बनवाना बाकी है, तो इसलिए हमको भी बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है। और हमारे वीडियो पर व्यूज भी इस समय बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया है, व्यूज नहीं आता है ज़्यादा। तो उस दिन वीडियो डाले थे तो अभी 400-500 ही व्यूज आया हुआ है। और वैसे तो जब हम वीडियो डालते थे तो तुरंत 1-2 हज़ार व्यूज आ जाता था, लेकिन अभी इस समय व्यूज डाउन है। और हम चाहते हैं कि आप लोग हमको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करें और हमारा वीडियोस बहुत ही ज़्यादा अच्छा चलने लगे। और हमारा पैसा भी, इनकम भी इस समय नहीं आया हुआ है, अभी काफ़ी दिन हो गए हैं, तो उसके लिए भी हमको बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो गया है। तो आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए। और फ्रेंड, आप लोगों से हम एक बात और कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, कोई भी यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, तो आप लोग यूट्यूब पर लगातार काम करिए, क्योंकि हम वीडियो नहीं डाल पाए थे 17-18 दिन, हमारा फ़ोन टूट गया था, तो उसका परिणाम हमको यही मिला कि हमारे वीडियोज़ पर व्यूज कम हो गया। और जो पहले के वीडियो हमारे ट्रेंड कर रहे थे, थोड़े अच्छे खासे चल रहे थे, तो अभी वीडियो हमारे चलना बंद हो गए। तो आप लोगों से भी हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखें। तो आप लोगों से हम यही कहना चाहते हैं ताकि आप लोग भी हमारे तरह ऐसे आप लोगों का भी व्यूज डाउन ना हो जाए, तो इसीलिए आप लोगों से हम ये कह रहे हैं। तो लगातार आप लोग यूट्यूब पर जुटे रहिए, और अगर आप लोग सफल नहीं हुए तो एक ना एक दिन सफल जरूर हो जाएंगे। और देखो दोस्तों, आप लोगों से हम एक बात कहना चाहते हैं, तो वो आप लोग अपने जहन में उतार लीजिए कि अगर आप लोग कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, आप लोगों को सफल होना है, तो अपना काम आप लोग कंटिन्यू बरकरार रखिए, क्योंकि अगर आप लोग कंटिन्यू नहीं करते हैं, गैप करते हैं, तो आप लोग सफल नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे ही हम हैं, तो सफल तो हो गए थे अपने पापा के दम पर, लेकिन हमारे पापा जो हैं तो उनको बहुत सारी कलाएं आती हैं, लेकिन वो इस समय कुछ नहीं कर पाए, हमको चैनल में आगे बढ़ाए, यूट्यूबर बना दिए, ब्लॉगर, तो उन्हीं के दम पर ये सब हम कर रहे हैं। और अभी हम इतने छोटे से हैं तो उन्होंने हमारे दिमाग में सब कुछ भर दिया, तो हमको इतना सब मालूम हुआ है। तो दोस्तों, आप लोगों को हम थोड़ा सा 2 लाइन गाना सुनाना चाहते हैं, तो आप लोग जरूर सुनिएगा। तो चलिए सुनाते हैं आप लोगों को। जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसे मत व्यर्थ में गवाना। तो बस आप लोगों से हम यही थोड़ी सी 2 लाइन कहना चाहते थे। तो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो दोस्तों अभी चलिए आप लोगों को हम एक छोटी सी चीज़ दिखाते हैं। तो अभी चलिए चलते हैं, रोड पर है तो आप लोग बताइएगा कि ये आप लोगों के वहाँ क्या कहा जाता है। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं पहले। तो अभी दोस्तों हम आ गए हैं रोड पर और इधर देखिए अभी ये हमारे वहाँ कंडा पात कर उसके बाद में देखिए कुछ बना रहे हैं। तो हमको अभी मालूम नहीं है कि क्या कहते, तो अभी उन्हीं लोग से हम पूछेंगे। और आप लोगों के उधर इसको ओपले बोलते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ देहात में इसको ऐसा नहीं बोला जाता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अभी, और ये लोग अभी बना रहे हैं। तो अभी हमारे दोस्तों से सब लोग राधे राधे कर दो। राधे 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 राधे। तो अभी दोस्तों हम अपनी नानी से पूछते हैं कि जो भी कंडा लगाए हैं तो उनको क्या कहते हैं। तो नानी बता दीजिए कि अभी ये जो कंडा लगे हैं तो इनको क्या कहते हैं। लिटुहुरा। और कुछ भी कहते हैं क्या? बतिहा कह रहे हैं। अच्छा, तो अभी दोस्तों हमको पापा बुला रहे हैं तो अभी घर पर चलते हैं। तो अभी दोस्तों हम घर पर आ गए हैं और यहाँ पर हमारी मम्मी अभी खाना बना रही है। तो मम्मी आज क्या बना रहे हैं घर पर? सब्जी रोटी। काय की सब्जी है? आलू टमाटर की। और मटर भी है ना, ये देख सकते हैं आप लोग। और उधर अभी चावल बने रखे हुए हैं और इधर हमारी मम्मी अभी देखिए रोटियां बनाने जा रही हैं। तो दोस्तों मुझे सब लोग मुझे टकली कह रहे हैं। हाँ, ये देखिए कह रही है कि हमको टकली कह रहे हैं सब लोग। और उधर भी एक टकली है। और हाथ की जो रोटियां होती है तो हमारे वहाँ देहात में गेहूँ और ये क्या क्या बोलते हैं मम्मी, और ये मक्के की रोटी। तो ये गेहूं की रोटी हाथ की जब बनती है तो बहुत ही ज़्यादा स्वाद आता है, ये सब्जी के साथ में खाते हैं जब। और ये जो मक्की की रोटी होती है तो वो तो हमको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है जब हाथ की पोई जाती है। तो अभी दोस्तों हम खाना खा लेते हैं। और ऐसे देखिए हमारी मम्मी अभी रोटी पो रही हैं और इधर एक डाल दी है। तो मम्मी हमारे लिए खाना दे दो, इधर देखिए रखा हुआ है अभी। तो ये रोटी जब डाल देंगे तो हमको खाना देंगे तो हम खाएंगे और देखेंगे कि आज का खाना कितना स्वादिष्ट है। और ये देखिए हमारा खाना एकदम मस्त लग चुका है, सब्जी और रोटी और चावल। तो अभी हम खा लेते हैं। तो अभी दोस्तों हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, तो अभी हम लोग खाना खा चुके हैं। और अभी यहाँ पर खाना वाना बन रहा था तो हम लोग खाए थे। तो अभी यहाँ पर चारपाई पड़ गई है और उधर खाना रख दी है हमारी मम्मी वहाँ पर। और देखिए अभी निहारिका लेटी हुई है और नेहा गौरी अभी तीन लोग लेटी हुई है और हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं। और हमारी दीदी और हमारे पापा गए हुए हैं घास मैच में। और अभी उधर लाइए हमारे घर के जस्ट पास में ही लगी हुई है। तो वहाँ पर हमारी मम्मी कह रही थी कि तुम और तुम्हारे पापा साथ में चले जाओ। तो हम कह रहे थे नहा वहा लिए हैं, वहाँ पर ज़्यादा गंदगी है तो इसलिए हम नहीं जाना चाहते हैं। तो पापा ने कहा चलो हम ही दो लोग जाते हैं। तो अभी हमारी दीदी और हमारी पापा गए हुए हैं, हमारे पापा दोनों लोग। और देखिए धूप भी अभी बहुत ही ज़्यादा कड़कड़ुआ खुली हुई है। तो दोस्तों इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आई होप कि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू, बाय।